नमस्कार दोस्तों, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही हैं, जो आपस में लीडर और इन्वेस्टर को लड़ाने की साजिश संजय वाटी और उसके गैंग और उसके आका, नाम ले रहा हूँ बीएन तिवारी, लखनऊ मार्स ग्रुप का मालक, अकॉर्ड हाइड्रोलिक ई बाइक, जितना पैसा ई बाइक के नाम पे इकट्ठा करके संजय भाटी ने उसको दिया है, सारा खुलासा होगा। लेकिन उसने कुछ लीडर और इन्वेस्टर को खरीद के हमारे को एक दूसरे में लड़ाने की साजिश कर रहे हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, बहुत बड़े लोग इसके पीछे जुड़े हुए हैं, उनको हाथ डालना पड़ेगा। उसके लिए 101% दिल से कार्रवाई कर रहा हूँ। ये चाहते हैं कि अब रविंद्र कुमार को दबाया जाए, सोशल मीडिया और इनके परिवार को मरवाया जाए, धमकी तक दी जा रही है, ठीक है। लेकिन एक आर्मी पर्सन हूँ, एक सोल्जर हूँ, जब तक जान है इनके खिलाफ लड़ता रहूँगा। और अब टाइम आ गया है दोस्तों, सब लोगों को एक साथ आवाज उठाने का और एक साथ होने का। जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, वो लोग मुझे पहचानते हैं कि मैं कैसा इंसान हूं। और जो लोग बोलते हैं कि इसने 30 करोड़ कराया, 50 करोड़ कमाया, एक एक पैसे की सारी चीज करा रखी है। जिसको भी डाउट हो आके चेक कर सकता है, एक एक पैसे का हिसाब दूंगा। भाटी को रिवर्स में जितना इन्वेस्ट किया है, सारी चीजें जो उसने झूठे वादे करके विश्वास में लेकर लोगों से लिया, मेरे से नहीं, बहुत सारे बड़े लीडरों से, जिनको डायरेक्टरशिप का लालच दिया, सबसे उसने लास्ट में निचोड़ा है। बहुत सारे लोगों को उसने इतना बड़ा धोखा दिया है दोस्तों, आपको बल्कि सोच भी नहीं सकते। लेकिन आज छोटे और आम नागरिक, आम पब्लिक, उन लोगों को, बड़े लीडरों को हिट करने का प्लान करके आपस में लड़ा के खुद बेल लेके बाहर आने की प्लानिंग में है, ठीक है। और उसको पता है कि अगर ये इनके ऊपर केस हो जाएंगे, ये लोग मेरे साथ आ जाएंगे, तो मैं बच सकता हूं, ठीक है। आप लोगों की इच्छा है, जो आप करना चाहें। अगर कमीशन आया हुआ पैसा अकाउंट में, जिसके भी अकाउंट में आया, अगर मेरे अकाउंट में आया, अगर मैं मुजरिम हूं, तो 2.5 लाख के 2.5 लाख वो लोग जिसके अकाउंट में गर्भी से कमीशन आया, वो सब मुजरिम होंगे, ठीक है दोस्तों। तो किसने कितना कमाया, अभी जे मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि जिन लोगों का पैसा आज कंपनी में फंसा हुआ है, उसको निकाल के उनके घर में कैसे लाया जाए। ये जंग मैंने छेड़ दी है, जिसको मेरे ऊपर विश्वास हो, जो मेरा साथ देना चाहे, मेरे साथ आ सकता है। आने वाले 2-4 दिन के अंदर अंदर सारी चीजें आपके सामने होंगी। कुलदीप वर्मा जी ने बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग बनाई, एक स्टूडेंट है, सुनी सुनाई बातों पे काम कर रहा है, अच्छा लड़का है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा ऑल यूट्यूबर और व्हाट्सएप और फेसबुक वालों को, कि सुनी सुनाई बातें और लोगों के बहकावे में आकर इस मिशन को कमजोर ना करें, ना करें, ना करें। ये बहुत बड़ी जंग है, हमारे लोग कोटगांव में बैठे हुए हैं और वहीं पे पूरा जमघट इकट्ठा होने वाला है दोस्तों। मैं खुद वहां जा रहा हूं, जिसको कोई प्रॉब्लम हो, मेरे को गिरफ्तार कराना हो, मेरे को मरवाना हो, आ सकता है, ठीक है। लेकिन मैं इतनी सारी कार्रवाई करके पूरा वहां पे प्रोग्राम बना रहा हूं, प्लीज़ कृपा करके आप लोग साथ दीजिए। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग, नेक्स्ट वीक मैं डेट और टाइम सारी चीजें आपको बताऊंगा विद मीडिया, सब लोग आप आइए कोटगांव, और उसमें इतने बड़े तादाद पे वहां पे हम काम करेंगे कि एक बार सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूर होना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। मैं यही लास्ट कहना चाहूंगा, अफवाहों से बचें और एक दूसरे को ब्लेम करने से परहेज करें। आज हर एक लीडर, हर एक इन्वेस्टर, हर एक वो इंसान बहुत दुखी है।
इतने लाखों लोगों के दिल को दर्द हो रहा है दोस्तों आज, मतलब कि हर एक इंसान दुखी है, मुझे पता है हर एक इंसान के घर में इसने वो जो दर्द दिया है वो बच नहीं पाएगा। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उनसे बिके हुए लोग जो भी लीडर्स के खिलाफ या कुछ कार्रवाई कर रहे हैं या करने के लिए लोगों को भड़का रहे हैं, उनसे बचिए। और उनसे भी मैं कहना चाहूँगा, हाथ जोड़ के बेनती है कि हमारे साथ मिशन में आइए, हमारा साथ दीजिए। अगर आपके पास एक भी प्रूफ है, लोग बोल रहे हैं कि ये तो संजय भाटी की चाल है, ये है वो है, अगर आपके पास कोई भी ऐसी चीज़ है तो आप आइए, हम आपकी सजा के लिए कबूल करेंगे। लेकिन इस टाइम आपस में लड़ने का टाइम नहीं है दोस्तों, इस टाइम जंग एक साथ मिलके लड़ने की तैयारी की जा रही है और उस लड़ाई का आप हिस्सा बने, ठीक है दोस्तों। अलग अलग यूनियन बना के लोगों को गुमराह करना, ऐसी यूनियन जिसका प्रधान को पता ही नहीं बाइकबोट थी क्या, और जो बंदा ज्वाइन ही नहीं है वो आपके लिए क्या लड़ेगा दोस्तों, ठीक है। बाइकबोट यूनियन के नाम पे कुछ लोग आपको गुमराह कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, किसी को मत पैसा दीजिए दोस्तों, मैं आपको फिर कह रहा हूं, ये लड़ाई हमारी है, हमें लड़नी पड़ेगी और हम लड़ रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।